सुबह सवेरे का सलाम। जैसा आप देख पा रहे हैं, हम लोग की भदोही साइकिलिंग क्लब की टीम बैंक ऑफ इंडिया गोपीगंज आई हुई है और आज संडे है, संडे इज हॉलीडे, और संडे को एक साइकिल यात्रा निकलती है जो दूर दूर जाके लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का कार्य करती है। उसी सीक्वेंस में, उसी कड़ी में आज हम लोग बैंक ऑफ इंडिया गोपीगंज आए हुए हैं और हम धन्यवाद देना चाहते हैं बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर अनिरुद्ध साहू जी का, जिन्होंने हम लोग का प्रस्ताव स्वीकार किया और हम लोग की साइकिल यात्रा में आए। तो एक बार जोरदार तालियां मैनेजर साहब के लिए। तो हम बात करना चाहते हैं मैनेजर साहब से। सर, दो शब्द आपके साइकिल यात्रा पे आज की। सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी तक तो मैं भी सोकर उठता था 7:30-8, कोई सोने का टाइम नहीं था, उठने का टाइम नहीं था, लेकिन आज लग रहा है कि एक शुरुआत मिला है कि एक जो आप लोगों ने मुहिम चलाई है सुबह उठने का और स्वस्थ रहने का, निरोग रहने का सबसे अच्छा यही उपाय है कि दिनचर्या अपनी सबसे सही की जाए, और दिनचर्या सबसे सही करने का सबसे अच्छा समय यही है कि आप समय से उठें। बहुत बढ़िया। समय से उठने के बाद आपके पास इतना पर्याप्त समय होता है कि आप सारे काम कर लेंगे लेकिन फिर भी आपके पास अपने लिए समय होता है। दिन भर के काम में हम लोग इतना व्यस्त रहते हैं, शाम को जाते हैं तो लगता है कि हमारे पास कोई समय ही नहीं। समय इसलिए नहीं है क्योंकि हम खुद को समय नहीं देते। अगर समय से उठेंगे तभी हमारे पास समय होगा, और आगे बढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि सुबह उठिए, व्यायाम करिए, अगर नहीं कर सकते तो सिर्फ सुबह की ताज़ी हवा लीजिए, सैर कीजिए। अगर धीरे धीरे ये शुरुआत किया फिर उसके बाद इनके मुहिम से जुड़िए, साइकिलिंग करिए और स्वस्थ रहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसा मैनेजर साहब ने बात कही है कि जो सुबह की हवा में वो असर होता है कि आप कुछ नहीं करते सिर्फ सुबह उठ जाते हैं, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है। और जो दूसरी बात इन्होंने कही कि जो सुबह आप उठते हैं तो ऐसा लगता है कि आपको एक दिन में दो दिन का समय मिला है, क्योंकि जो प्राइवेट जॉब वाले होते हैं या सरकारी जॉब वाले होते हैं उनकी ड्यूटी तो 8 घंटे की होती है, लेकिन जो बड़े पोस्ट पे होते हैं तो उनकी ड्यूटी लगभग 10-12 घंटे हो जाती है। उसके बाद वो सीधा अपने घर जाते हैं, खाना पीना खा के, घर के काम कुछ किए ना किए, डायरेक्ट सोते हैं। तो उनको लगता है कि दिन बहुत छोटा है, लेकिन अब वहीं पे अगर आप भोर में उठते हैं, 4 बजे 5 बजे उठते हैं, तो आपको एक दिन में ऐसा लगेगा कि 2 दिन का समय आपको मिला है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी भोर सुबह में उठिए, योग व्यायाम करिए, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। हम लोग के साथ बद्रीनाथ मिश्रा जी आए हैं, तो बात करते हैं मिश्रा जी से। मिश्रा जी, सुबह उठना शरीर के लिए कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है सर, बहुत लाभदायक है। इसलिए सुबह में उठ करके वॉक मॉर्निंग करना बहुत जरूरी है। अच्छा, जैसे बड़े बुजुर्ग ने कहा है सुबह की हवा 100 रोगों की दवा, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये दवा ही है सर, ये दवा ही है। हाँ, सुबह उठ जाइए, कोई रोग आपको छू नहीं सकता। बहुत बढ़िया। हमारे छोटे भाई सोहराब अली हैं, ये सऊदी अरबिया रहते हैं, घर पे शादी था तो ये छुट्टी पाए हुए हैं। तो बात करते हैं सोहराब अली से, दो शब्द आपके आज की साइकिल यात्रा पे। सबसे पहले मैं अदाल भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे एक बार मौका दिया है साइकिल यात्रा में जोड़ने के लिए, और आज हम तो 5:30 बजे आज उठ गए बस आपके बदौलत, नहीं तो वैसे तो हम 7 बजे पहले उठते नहीं थे। और मुझे सुबह सुबह उठ के बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, और आप जहाँ तक के चलेंगे आज हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बढ़िया। बस यही कहना चाहेंगे और सारे देशवासियों से यही कहना चाहेंगे कि सुबह 5 बजे ही उठे, 100 रोगों की दवा सुबह की हवा, सुबह की हवा, सुबह की। बहुत बढ़िया, करना चाहेंगे। धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं यहीं से, साइकिल यात्रा शुरू करते हैं आगे की ओर।